9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 72 कैंडिडेट को टिकट मिला है। लिस्ट में 10 SC, 9 ST, 15 महिलाओं को टिकट दिया गया। इस बार टिकट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहे, क्या क्या पैमाने रहे पार्टी के, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। NDA सरकार 400 पार। जब चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, तब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों का टिकट कंफर्म हो गया। बीजेपी 2 लिस्ट में अब तक 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सस्पेंस वाले कई चेहरों का नाम दूसरी लिस्ट में सामने आ गया। अब तक जारी लिस्ट के मुताबिक राज्यसभा चुनाव लड़ते आए बड़े चेहरों को लोकसभा के जरिए जीतना होगा। बीजेपी की लिस्ट आई, लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सिर्फ उम्मीदवारों की सूची जारी हुई। सबसे बड़ा नाम देश में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय संभालने वाले नितिन गडकरी का ही है। नितिन गडकरी को बीजेपी ने फिर से नागपुर से उम्मीदवार बनाया है। गडकरी का नाम इसलिए अहम है क्योंकि पहली लिस्ट में नाम न होने पर उद्धव ठाकरे लगातार सियासी खेल खेलते दिखे। गडकरी को NDA छोड़कर महागठबंधन में आने का न्योता देने लगे थे। गडकरी ने उद्धव को चिंता न करने की सलाह दी थी। अब उद्धव ठाकरे को दूसरी सूची से जवाब मिल गया है। लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम पीयूष गोयल का है। राज्यसभा से आने वाले पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से उतारा गया है। यहां से गोपाल शेट्टी का टिकट कटा है। लिस्ट में नाम आते ही पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया से लिखा कि गोपाल शेट्टी से फोन कर बात कर आशीर्वाद ले लिया है। एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं, उनका हाथ हम सब लोगों ने मिलकर बड़ा मजबूत करना चाहिए। थोड़ा समय के लिए मंदुक होगा, ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन सब लोगों ने अपने मोड में आकर फिर एक बार पहले जैसे ही नहीं तो पहले से अच्छा काम करके फिर एक बार उत्तर मुंबई की जीत हम लोग सब लोग मिलकर शानदार करे, यही मैं भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 2007 से लगातार हमीरपुर से जीत रहे अनुराग ठाकुर पर 5वीं बार भरोसा जताया गया है। चौथा बड़ा नाम गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी का है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को टिकट का मतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट कट गया है। बलूनी 26 साल की उम्र से राजनीति करते आ रहे हैं। पांचवा बड़ा नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है, जिन्हें करनाल से उम्मीदवार बनाया गया है। जिनकी तारीफ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और मंगलवार को उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। मैं आज करनाल विधानसभा से त्यागपत्र देता हूँ। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। बीजेपी ने दिल्ली में 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए हैं। पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है, तो वहीं हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया गया है। मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कार्यकर्ता को मौका दिया है और हम उनकी सभी अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे। सबसे बड़ी जंग कर्नाटक में लड़ी जाएगी। बेंगलुरु ग्रामीण सीट से कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता DK शिवकुमार के भाई DK सुरेश के खिलाफ HD देवगौड़ा के दामाद डॉक्टर CN मंजूनाथ को उतारा गया है। गुजरात में 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, जिनमें 5 नए चेहरे हैं। हरियाणा में 6 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, जिसमें 3 नए चेहरे हैं। कर्नाटक में 20 टिकट का ऐलान किया गया, जिसमें से 10 नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से 5 टिकट का ऐलान हुआ, जिसमें 3 नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया है।
महाराष्ट्र से बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें से 6 नए चेहरों को मौका दिया गया है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, तो विपक्ष आपसी झगड़ों से उबरने में जुटा है। सवाल ये भी है कि 24 में पीएम मोदी की चुनौती का मुकाबला विपक्ष कैसे कर पाएगा। टीम न्यूज नेशन। 2024 की सियासी जंग में तमाम सीटों पर मुकाबला तय हो गया है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नकुल नाथ का मुकाबला बीजेपी की बंटी साहू से होगा। बेंगलुरु ग्रामीण से अगर बात की जाए तो यहां कांग्रेस के डीके सुरेश का मुकाबला बीजेपी के सीएन मंजुनाथ से होगा। इसके अलावा बीकानेर पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल से होगा। अलवर से कांग्रेस के ललित यादव का सीधा मुकाबला बीजेपी के भूपेंद्र यादव से होगा। वहीं जोधपुर की सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, यहां कांग्रेस के करण सिंह जिनका मुकाबला बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत से होगा। जालौर सीट से कांग्रेस के वैभव गहलोत का मुकाबला बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी से होगा। वैभव गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, तो यह भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहेगा क्योंकि दोनों ही बड़े चेहरे आमने सामने होंगे। एनडीए सरकार 400 पार। जब चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, तब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों का टिकट कंफर्म हो गया। बीजेपी दो लिस्ट में अब तक 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सस्पेंस वाले कई चेहरों का नाम दूसरी लिस्ट में सामने आ गया। अब तक जारी लिस्ट के मुताबिक राज्यसभा चुनाव लड़ते आए बड़े चेहरों को लोकसभा के जरिए जीतना होगा। बीजेपी की लिस्ट आई, लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सिर्फ उम्मीदवारों की सूची जारी हुई। सबसे बड़ा नाम देश में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय संभालने वाले नितिन गडकरी का ही है। नितिन गडकरी को बीजेपी ने फिर से नागपुर से उम्मीदवार बनाया है। गडकरी का नाम इसलिए अहम है क्योंकि पहली लिस्ट में नाम न होने पर उद्धव ठाकरे लगातार सियासी खेल खेलते दिखे। गडकरी को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने का न्योता देने लगे थे। गडकरी ने उद्धव को चिंता न करने की सलाह दी थी। अब उद्धव ठाकरे को दूसरी सूची से जवाब मिल गया है। लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम पीयूष गोयल का है। राज्यसभा से आने वाले पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से उतारा गया है। यहां से गोपाल शेट्टी का टिकट कटा है। लिस्ट में नाम आते ही पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया से लिखा कि गोपाल शेट्टी से फोन कर बात कर आशीर्वाद ले लिया है। एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं, उनका हाथ हम सब लोगों ने मिलकर बड़ा मजबूत करना चाहिए। थोड़ा समय के लिए मंदुक होगा, ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन सब लोगों ने अपने मोड में आकर फिर एक बार पहले जैसे ही नहीं तो पहले से अच्छा काम करके फिर एक बार उत्तर मुंबई की जीत हम लोग सब लोग मिलकर शानदार करे, यही मैं भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 2007 से लगातार हमीरपुर से जीत रहे अनुराग ठाकुर पर पांचवी बार भरोसा जताया गया है। चौथा बड़ा नाम गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी का है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को टिकट का मतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट कट गया है। बलूनी 26 साल की उम्र से राजनीति करते आ रहे हैं। पांचवा बड़ा नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है, जिन्हें करनाल से उम्मीदवार बनाया गया है, जिनकी तारीफ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और मंगलवार को उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र देता हूँ। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उसका मैं करूंगा। बीजेपी ने दिल्ली में 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए हैं।
पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है, तो वहीं हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया गया है। मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ता को मौका दिया है और हम उनकी सभी अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे। सबसे बड़ी जंग कर्नाटक में लड़ी जाएगी। बेंगलुरु ग्रामीण सीट से कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश के खिलाफ एचडी देवगौड़ा के दामाद डॉक्टर सीएन मंजूनाथ को उतारा गया है। गुजरात में 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, जिनमें 5 नए चेहरे हैं। हरियाणा में 6 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, जिसमें 3 नए चेहरे हैं। कर्नाटक में 20 टिकट का ऐलान किया गया, जिसमें से 10 नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से 5 टिकट का ऐलान हुआ, जिसमें 3 नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया है। महाराष्ट्र से बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें से 6 नए चेहरों को मौका दिया गया है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, तो विपक्ष आपसी झगड़ों से उबरने में जुटा है। सवाल ये भी है कि 24 में पीएम मोदी की चुनौती का मुकाबला विपक्ष कैसे कर पाएगा। टीम न्यूज नेशन। 2024 की सियासी जंग में तमाम सीटों पर मुकाबला तय हो गया है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नकुल नाथ का मुकाबला बीजेपी की बंटी साहू से होगा। बेंगलुरु ग्रामीण से अगर बात की जाए तो यहां कांग्रेस के डीके सुरेश का मुकाबला बीजेपी के सीएन मंजूनाथ से होगा। इसके अलावा बीकानेर पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल से होगा। अलवर से कांग्रेस के ललित यादव का सीधा मुकाबला बीजेपी के भूपेंद्र यादव से होगा। वहीं जोधपुर की सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, यहां कांग्रेस के करण सिंह जिनका मुकाबला बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत से होगा। जालौर सीट से कांग्रेस के वैभव गहलोत का मुकाबला बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी से होगा। वैभव गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, तो यह भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहेगा क्योंकि दोनों ही बड़े चेहरे आमने सामने होंगे।